सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल एस्ट्रोलॉजर में। और हम सभी जानते हैं कि 2020 का आखिरी सप्ताह शुरू होने वाला है और हम जानने वाले हैं आज की वीडियो में कि 27 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक का राशिफल क्या है, 12 राशियों पर क्या असर होने वाला है, 2021 की शुरुआत कैसी रहने वाली है और इस आखिरी सप्ताह में कौन कौन से इम्पोर्टेंट मुहूर्त और सर्वा सिद्धि के योग हमें प्राप्त होंगे। सबसे पहले जानते हैं कौन कौन से विशेष मुहूर्त हमें मिलने वाले हैं। तो 27 तारीख को प्रदोष व्रत जो लोग रखते हैं वो लोग रख सकते हैं। 29 तारीख मंगलवार को दत्त पूर्णिमा रहेगी, इस दिन भगवान दत्तात्रेय की विशेष पूजा आराधना होती है। जो लोग तंत्र साधक हैं वो लोग भी विशेष प्रकार से भगवान दत्तात्रेय की पूजा इस दिन करते हैं। 2 जनवरी शनिवार को गणेश चतुर्थी का व्रत जो लोग रखते हैं वो लोग रख सकते हैं। तो ये थे 3 इंपॉर्टेंट मुहूर्त। अब आइए जानते हैं सर्वार सिद्धि के योग कितने मिलेंगे हमें आने वाले सप्ताह में। तो इस आने वाले सप्ताह में हमें 2 सर्वार सिद्धि के योग प्राप्त होंगे। पहला 28 दिसंबर सोमवार के दिन सूर्योदय से लेकर रात्रि तक सर्वार सिद्धि का योग रहेगा और दूसरा सर्वार सिद्धि का योग 31 दिसंबर को हमें मिलेगा सूर्योदय से रात्रि तक। तो देखा जाए तो साल का अंत भी सर्वार सिद्धि योग से हो रहा है जो कि काफी अच्छा है। अब आइए अपन शुरू करते हैं 12 राशियों का राशिफल। मेष राशि। इस हफ्ते मेष राशि वालों के अंदर नई नीतियां बनेंगी अपने आने वाले साल को लेके। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने आप को फिर से तैयार करेंगे और इसमें ग्रहों का साथ भी आपको मिलेगा। धन और संपत्ति बढ़ने के योग बहुत अच्छे बनते हैं। कहीं से बहुत बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में प्रवेश कर सकती है। मेष राशि के लोग अगर विवाह के लिए किसी साथी की तलाश में है तो इस हफ्ते बहुत अच्छे योग बनते हैं कि आपके जीवन में कोई प्रवेश करे। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो इस सप्ताह आपके लिए बहुत ही रोमांचक हो सकता है। आपके संबंध अपने प्रेमी के साथ बहुत अलग अनुभव दे सकते हैं। मेष राशि वाले अगर व्यापार में है तो इस सप्ताह आप अपने शब्दों का प्रयोग करके बहुत ही अच्छा लाभ कमा सकते हैं। नौकरी वाले अपना प्रदर्शन तो बहुत ही अच्छा रखेंगे परंतु उसका यश आपको प्राप्त होने में परेशानी रहेगी जिससे आपको थोड़ा बुरा लग सकता है। शरीर में गर्मी बढ़ने से सर्दी जुकाम से आप पीड़ित हो सकते हैं। आप धर्म के कार्यों में भी इस सप्ताह बहुत भाग ले सकते हैं और इससे आपको यश और शांति की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोगों में उत्साह की वृद्धि देखने को मिलेगी। आप अपने कार्य को बहुत ही अच्छी तरह से कर पाएंगे और साथ ही उसे बढ़ा भी पाएंगे। नए विचार नए सपने आपको ऊर्जा देंगे कि आप कुछ अलग हटके हासिल कर सकें। शनि देव की कृपा से आपके कार्य इस सप्ताह बनेंगे। आप लोगों को सही सलाह देंगे, लोगों की मदद करेंगे और इससे आपको शांति की प्राप्ति होगी। प्रेम जीवन की बात करें तो इस सप्ताह आप अपने प्रेमी के साथ बहुत अच्छा समय बिता पाएंगे और जो लोग किसी साथी की चाहत में हैं उन्हें प्रेमी मिल सकते हैं। अगर वृषभ राशि के लोग विवाह के लिए साथी ढूंढ रहे हैं तो वो भी उन्हें मिल सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शरीर में स्फूर्ति बढ़ेगी। अगर किसी रोग से परेशान है तो उससे राहत मिलेगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले लोग इस सप्ताह अपने दोस्तों साथियों अपने परिवार के साथ काफ़ी आनंद लेंगे। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। आप मनोरंजन के लिए यात्राओं पर भी जा सकते हैं। कामकाज की बात करें तो अगर आप मार्केटिंग से संबंधित कोई काम में हैं तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन आप कर पाएंगे। नौकरी वाले लोगों के लिए समय अच्छा है परंतु जिम्मेदारी बढ़ने से आप परेशान हो सकते हैं। परंतु याद रखिए कि जिम्मेदारियां आपके लिए मौके भी लेके आएंगी। लव लाइफ की बात करें तो आपके जीवन में प्रेम बढ़ सकता है। अपने खास साथी के साथ आप साल के आखिरी सप्ताह काफ़ी अच्छी तरह बिता सकते हैं। अपने पलों को यादगार बना सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग रहना होगा, लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। कर्क राशि।
कर्क राशि के जातकों के आय के स्रोत खुलने के योग बहुत अच्छे बनते हैं, जिसके कारण आपकी व्यस्तता बढ़ेगी, उत्साह बढ़ेगा, रोमांच भी बढ़ेगा। सट्टे के कारोबार से, शेयर मार्केट से अगर दूरी बना के रखेंगे तो अच्छा होगा, अन्यथा हानि हो सकती है। अपने प्रेमी के साथ इस सप्ताह आप ज़्यादा समय नहीं बिता पाएंगे, जिसके कारण मनमुटाव हो सकता है। जीवन साथी के साथ भी मनमुटाव होने के योग बनते हैं। अगर आप व्यापार से जुड़े हैं तो अचानक से कोई बड़ा सौदा आपको खुश कर देगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। सिंह राशि, सिंह राशि के लोग इस सप्ताह काफी खुशनुमा माहौल में समय बिता पाएंगे, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रेमी के साथ, अपने परिवार के साथ। आपके कार्यों के लिए आपकी प्रशंसा के योग बनते हैं, जिससे आपका उत्साह बढ़ेगा। आप इस सप्ताह लोगों का मार्गदर्शन कर पाएंगे, जो कि आपको सुकून देगा। आप अपने गुणों का बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे, जिससे आपको खुशी मिलेगी और आप व्यस्त भी ज़्यादा रहेंगे। आपको अपने किसी साथी का साथ मिलेगा, जिससे रुके कार्य पूरे होंगे। उच्च अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे बनेंगे, जिसका असर आपके कामकाज पर भी बहुत अच्छा पड़ेगा, परंतु जिम्मेदारियां बढ़ने से आपको घबराना नहीं है। कन्या राशि, कन्या राशि के लोग अपने दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल इस सप्ताह करने वाले हैं। आपकी नीतियां आपको आने वाले साल में नई बुलंदियों पर पहुंचाने में आपकी मदद करेंगी। आप व्यापार में हो या नौकरी में, आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा और आप एक नई छवि बना सकते हैं। आपके प्रदर्शन के कारण आपके जीवन में नए लोग जुड़ेंगे और लव लाइफ में भी बहुत बदलाव हो सकता है, परंतु आपको किसी पर भी ज़्यादा भरोसा करने से बचना चाहिए, अन्यथा कोई बड़ा धोखा भी आपको मिल सकता है। शरीर में गर्मी बढ़ने से पेट से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है, अतः गर्म चीज़ों का सेवन को थोड़ा सा कम करें, साग सब्जी ज्यादा खाएं। तुला राशि, तुला राशि के लोगों के मन में जीवन को जीने के लिए नए नए तरीके विकसित हो सकते हैं, जिससे आपके साथ रहने वाले लोगों को भी बहुत मजा आने वाला है। कामकाज के सिलसिले में आपको यात्राओं पर जाना पड़ सकता है। अगर आप किसी मार्केटिंग के काम से जुड़े हैं तो आपको इस सप्ताह अपने प्रदर्शन को देख के मजा आ जाएगा। आपको आपकी मेहनत का बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। लव लाइफ की बात करें तो आपके जीवन में कोई सच्चा चाहने वाला प्रवेश कर सकता है, जिससे आपको आत्मिक खुशी मिलेगी। अगर आप किसी स्वास्थ्य परेशानी से लंबे समय से परेशान हो तो आपको राहत मिलेगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लोग इस सप्ताह अपने गुणों का प्रदर्शन करके नाम और शोहरत कमा सकते हैं। आप आने वाले हफ्ते में कामकाज को लेके काफ़ी व्यस्त रह सकते हैं और इसी नई जिम्मेदारियों के कारण आप थोड़े परेशान भी रह सकते हैं, परंतु आप बहुत अच्छी योजनाओं बना पाएंगे और अपने जीवन को और बेहतर बना पाएंगे। आपको पता होगा कि किससे क्या काम लेना है और कैसे। लव लाइफ की बात करें तो इस सप्ताह आपको थोड़ा परेशान रहना पड़ सकता है। आपको अपने क्रोध पर काबू रखना होगा अगर आप शांति चाहते हैं, अन्यथा गलत फहमियां बहुत कुछ बिगाड़ भी सकती है। धनु राशि, धनु राशि के लोग किसी विषय को लेकर बेचैन रह सकते हैं, जिससे आप अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने से चूक भी सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि क्रोध में आके आप किसी से भी गलत ना बोल दें, अन्यथा समस्या हो जाएगी। इस सप्ताह अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं, अतः अपने आप को शांत रखें। सर्दी जुकाम आपको हो सकता है, जिसके कारण भी आपको बेचैनी रह सकती है, परंतु रुका धन प्राप्त होने के योग अच्छे बनते हैं। कोई बड़ा सौदा भी हो सकता है, जिससे आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। उच्च अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे बनेंगे, जिससे रुके कार्य पूरे होंगे या आप करवा पाएंगे। नए साल के लिए आप बहुत कुछ नई योजनाओं को क्रियान्वित करने में भी अपना समय बिता सकते हैं। मकर राशि, मकर राशि के लोगों में अपने कामकाज को लेकर गंभीरता बढ़ेगी। आप ज्यादा से ज्यादा समय अपने कामकाज को देने का प्रयास करेंगे। आप बड़प्पन में आके ज्यादा जिम्मेदारियां उठाने का प्रयास भी करेंगे, जिससे आपके जीवन में आप खुद ही परेशानियों को खड़ी कर सकते हैं। अतः आपको ध्यान रखना है, अपनी स्थिति और क्षमता अनुसार ही जिम्मेदारी लें। लव लाइफ की बात करें तो आपके किसी बहुत अच्छे साथी
भाग्य प्राप्ति के योग बनते हैं, जिसके कारण आपको आत्मिक प्रसन्नता मिलेगी, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, अतः कोई परेशानी की बात नहीं है। इस सप्ताह आपको आकस्मिक धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लोगों में इस सप्ताह आत्मशक्ति में वृद्धि होने से बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आप ले पाएंगे अपने जीवन के बारे में। आप सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भी बहुत खर्चा कर सकते हैं आने वाले सप्ताह में। कामकाज को बढ़ने के अच्छे योग बनते हैं, उच्च अधिकारियों से संबंध बनेंगे, साथ ही नए लोग संपर्क में आएंगे, जिससे कोई बड़ा सौदा भी हो सकता है, कोई बड़ा मौका भी मिल सकता है, जिससे जीवन में उत्साह और रोमांच बढ़ेगा। अचानक से आप अपने साथियों के साथ किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं और भूमि लाभ के योग भी आपके अच्छे बनते हैं। स्वास्थ्य और प्रेम जीवन सामान्य रहेगा। मीन राशि। मीन राशि वालों को इस सप्ताह मान सम्मान मिलने के योग अच्छे बनते हैं। कामकाज भी बढ़ेगा, जिससे व्यस्तता भी बढ़ेगी। अगर कहीं धन रुका है तो वो प्राप्त हो सकता है। दोस्तों के साथ घूमने जाने का प्रोग्राम बन सकता है। लव लाइफ की बात करें तो आपको सच्चा प्रेम करने वाला कोई मिल सकता है, और अगर कोई आपके जीवन में है तो उनका साथ आपको बहुत मिलेगा। पराक्रम में वृद्धि होने से आप कामकाज को बढ़ाने के लिए जोखिम भी उठाने से नहीं चूकेंगे। जीवन साथी के साथ भी आपका समय अच्छा कटेगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि साल 2020 का आखिरी सप्ताह और साल का शुरुआत कैसा जाने वाला है। पुराने वीडियोस में हमने ये भी देख लिया है कि साल का प्रवेश किस समय होने वाला है और उस समय ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। अगर वो वीडियो आपने ना देखा हो तो अवश्य देख लें। भविष्यवाणियों को अगर पढ़ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर जाके हिंदी और इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस तुरंत प्राप्त हो सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।